हेलो एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी मांग सभी एडवोकेट के द्वारा समय समय पर होती रही है। जितने भी एडवोकेट के संगठन है उनकी भी तरफ से इसकी मांग समय समय पर होती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हाल ही में एक मीटिंग हुई है 10 जून 2021 को, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेजुलेशन रखा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए पास होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जिक्र किया गया है एडवोकेट के ऊपर जो पास्ट में जितने भी घटनाएं हुई हैं उन पर। अभी हाल ही में एडवोकेट के ऊपर आपने लोगों ने सुना होगा राजस्थान में, और उनके परिवार के ऊपर अटैक किया गया है अपराधियों द्वारा। इस मीटिंग में उस घटना की भी चर्चा की गई है जो तेलंगाना में एक एडवोकेट और उनके परिवार के ऊपर अटैक किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला दोस्तों, एडवोकेट देश के नागरिकों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर एडवोकेट के ऊपर इसी तरह अटैक होते रहे या एडवोकेट को इसी तरह से धमकियां मिलती रही तो एडवोकेट देश के नागरिकों को न्याय कैसे दिला पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह समाज में न्याय दिलाने के लिए पुलिस जरूरी है, जितना ही न्याय दिला देने के लिए जज जरूरी है, उतना ही समाज में न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा एडवोकेट कई बार बड़े अपराधियों के खिलाफ या प्रभावशाली व्यक्ति या असामाजिक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं और उनके खिलाफ बहस करते हैं, जिसलिए एडवोकेट उनके निगाहों में खड़कते हैं और वो उनको धमकी देते हैं और एडवोकेट के ऊपर अटैक करवाते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है सभी स्टेट और केंद्र गवर्नमेंट से कि आप इसके ऊपर एक एक्ट बनाइए। आपको इस एक्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट हम तैयार करके देंगे, सिर्फ आप इस एक्ट को पारित करिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है सभी स्टेट और केंद्र को, अगर आप इस कानून को पारित नहीं करेंगे तो एडवोकेट एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। इस चीज का मुझे भी गर्व है दोस्तों, हमारे एडवोकेट संगठन जो है बहुत ही यूनिटी है, इस चीज का मुझे गर्व होता दोस्तों। और अगर आप भी एडवोकेट हैं या आप लॉ कर रहे हैं तो इस पे आप लोगों को भी बहुत गर्व होना चाहिए दोस्तों। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि जितने भी एडवोकेट हैं उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे एडवोकेट कोर्ट में जाकर निडर होकर के अपनी बात रखे और देश के नागरिकों को न्याय दिला पाए। आपने खुद देखा होगा अपने अगल बगल दोस्तों, अपने समाज में देखा होगा एडवोकेट के ऊपर कितनी अटैक करवाते हैं आपराधिक किस्म के व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति या जितने भी असामाजिक व्यक्ति हैं, वो उनके ऊपर अटैक कराते हैं, उनको धमकियां देते हैं, तो जिसकी वजह से एडवोकेट को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोस्तों। कई बार आप लोगों ने देखा है दोस्तों, गलत तरीके से सही लोगों को फंसाया जाता है, उनको बचाने का काम एडवोकेट करते हैं दोस्तों, उनको न्याय दिलाने का काम एडवोकेट करते हैं। अगर एडवोकेट को इसी तरह से धमकियां और इसी तरह से उनके ऊपर अटैक होता रहा तो देश के नागरिकों को न्याय कौन दिलाएगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, आप इस समय आप लोगों को भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग क्या सोचते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या रेजुलेशन रखा है इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, आइए स्क्रीन पर आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो मीटिंग हुई थी 10 जून 2021 की हुई थी, इसी मीटिंग में इस रेजुलेशन को रखा गया था दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों।
इसमें राजस्थान के जो एडवोकेट और उनके परिवार के ऊपर अटैक हुआ था उसका भी जिक्र किया गया दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें तेलंगाना के जो एडवोकेट और उनके परिवार के ऊपर अटैक हुआ था उसका भी जिक्र किया गया दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें जो एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट के ड्राफ्ट को तैयार करेंगे 7 मेंबर, उनका भी नाम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये 7 मेंबर वो हैं जो एडवोकेट प्रोडक्शन एक्ट के ड्राफ्ट को तैयार करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इनके नेम स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या रेजुलेशन रखा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाना चाहिए, देश के नागरिकों में जाना चाहिए, देश के जितने भी एडवोकेट हैं उन तक जाना चाहिए, देश में जो LLB कर रहे हैं आगे चलकर एडवोकेट बनना चाहते हैं ये वीडियो उन तक जाना चाहिए, जिससे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के सपोर्ट मिले दोस्तों और गवर्नमेंट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने में मजबूर हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।